Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भगवान शिव ने कभी भी अपने भक्तों के साथ भेदभाव नहीं किया और यही वजह है कि असुर देवता या सामान्य मनुष्यों में से जो भी भगवान शिव को सच्चे मन और श्रद्धा से याद करता है वो उन्हें अपना बना लेते हैं और उनकी समस्त इच्छाओं को पूरी करते हैं। भगवान शिव कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते और यही वजह है कि एक बार भस्मासुर नाम का दैत्य उसने उनकी तपस्या की और शिव उस पर प्रसन्न हुए, जिसके बाद भस्मासुर ने भगवान शिव से ऐसा वरदान मांगा जो स्वयं उनके लिए आफत बन गया। भस्मासुर ने भगवान शिव से कहा कि वो उसे ऐसा वरदान दें कि जब भी वो किसी के सर पर अपना हाथ रखे तो वो व्यक्ति भस्म हो जाए। शिव ने उसकी यह बात मान ली। जब भस्मासुर को शिव से यह वरदान मिला कि वो जिस किसी के सर पर हाथ रखेगा वो राख में बदल जाएगा, तो सबसे पहले उसने शिव को ही अपना शिकार बनाने की कोशिश की। शिव अपने द्वारा दिए गए वरदान को वापस नहीं ले सकते थे, इसीलिए महादेव को स्वयं भस्मासुर से अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना पड़ा। मान्यताओं के अनुसार भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव छत्तीसगढ़ के मनिंद्रगढ़ के जंगलों में गुफाओं में छुपे हुए थे। उनकी जटाओं के अवशेष जो पत्थरों में तब्दील हो गए वो आज भी यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ भगवान शिव का एक अति प्राचीन मंदिर स्थित है। इस मंदिर की खासियत यह है कि 50 फीट तक घुटनों और कोहनियों पर रेंगते हुए जाने के बाद ही शिव के दर्शन हो पाते हैं। घने जंगल में गुफा के भीतर स्थित यह प्राचीन शिव मंदिर जटाशंकर के नाम से प्रसिद्ध है। इसका नाम जटाशंकर इसलिए पड़ा क्योंकि इस प्राचीन शिवलिंग में जटाओं जैसी आकृति साफ दिखती है। भगवान शिव के इस प्राचीन मंदिर तक पहुंचने के लिए सिर्फ पैदल जाने का मार्ग है। 12 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद एक पहाड़ी मिलती है जिसे देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे कोई सर्प फन फैलाकर बैठा हो। इस पहाड़ी के अंदर लगभग 50 फीट से ज्यादा घुटनों और कोहनियों के बल चलकर मंदिर के अंदर पहुंचा जा सकता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.